एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ डिफरेंस बिटवीन आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन। तो मैं आपसे इसके कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी, जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ में क्या मेजर डिफरेंस होता है, फिर इसके एग्जाम पैटर्न में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और कुछ और अदर डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी की। जो आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम होता है उससे आपका रिक्रूटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर होता है रीजनल रूरल बैंक्स में। रीजनल रूरल बैंक्स एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन में होते हैं और इसमें जो आपकी पोस्टिंग है वो आप उसी स्टेट में होगी जिससे आप अप्लाई करेंगे। तो इससे सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर आप अपनी स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पोस्टिंग है वो लाइफ टाइम उसी स्टेट में रहेगी। दूसरी तरफ बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो आईबीपीएस पीओ में जो आपका रिक्रूटमेंट होता है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इसमें आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो जो दूसरा मेजर डिफरेंस होता है वो होता है एग्जामिनेशन पैटर्न में। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें सिर्फ दो सेक्शंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन नहीं होता है और इसमें जो क्यूमुलेटिव टाइम है वो 45 मिनट्स होता है। वहीं हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो उसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें तीन सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें जो टाइम है वो 60 मिनट्स होता है। अगर हम मेंस की बात करें तो जो मेंस है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का उसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है और एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का सेक्शन जो आता है वो नहीं होता है। वहीं हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ के जो मेंस है उसमें सेक्शनल टाइम भी होता है और एक डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी होता है आफ्टर योर मेंस एग्जाम। तो ये मेजर डिफरेंस है एग्जामिनेशन पैटर्न में। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो दोनों एग्जाम है उसमें एज लिमिट डिफरेंट होता है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो एज लिमिट है वो है बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स और वहीं हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो उसका जो एज लिमिट है वो है बिटवीन 20 टू 30 ईयर्स। और जो एक और डिफरेंस होता है वो होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वहीं हम आईबीपीएस पीओ की बात करें तो वहां लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। और जो आप ज्वाइनिंग के बाद की बात करें तो जो अलाउंसेस एंड पर्क्स होते हैं वो एक आईबीपीएस पीओ को आईबीपीएस आरआरबी पीओ के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। दोनों के सैलरी स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो पर्क्स एंड अलाउंसेस है उसमें डिफरेंस होता है और जो ग्रोथ के चांसेस है वो आईबीपीएस पीओ के ज्यादा होते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंस मैंने आपको बताए ये मेजर डिफरेंसेस है आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे दोनों एग्जाम्स डिफरेंट होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।